हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल होम गार्डनिंग एंड आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे काम पर जिनको हम ये कह के टाल देते हैं कि बाद में करेंगे, और वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ पर काफ़ी असर करते हैं यदि उन कामों को सही टाइम पर नहीं किया गया। तो आइए चलते हैं, मैं बताती हूँ वो कौन कौन से चार पाँच ऐसे छोटे छोटे से काम हैं जिनको आप करते रहें तो आपके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती रहेगी। पहला काम है कि हमारे प्लांट्स जो हैं फ्लॉरिंग करते हैं, तो जब उनके फ्लावर सूखने लगते हैं तो उनको हम हटाते नहीं हैं, या ये सोचकर रह जाते हैं कि बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो सूखे प्लांट हैं ये सारे प्लांट की एनर्जी अब्जॉर्व कर लेते हैं, और हमारे जो नए आने वाले फ्लावर्स हैं उनकी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो कोशिश करिएगा कि आपके जब फ्लावर सूख जाते हैं तो आप उनको प्लांट में से निकाल दें। तो एक ही है छोटा काम, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये काम आप ज़रूर करें, इससे हमारे जो आने वाले फ्लावर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और उनकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप हमेशा सूखे फूल अपने प्लांट में से इस तरह से निकाल दीजिए। दूसरा काम है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई जो है वो हम प्रॉपर नहीं करते हैं और प्रॉपर टाइमिंग से नहीं करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम महीने में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। और चूँकि अभी बारिश का सीज़न आने वाला है तो उसमें मिट्टी गीली रहती है तो गुड़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है, तो ये काम भी आप अभी निपटा लें। और हाँ, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो गुड़ाई आप शाम के टाइम करें और उसको फिर गुड़ाई करके प्लांट को छोड़ दें और सुबह उसमें फिर वाटरिंग कर दें। तो ये दूसरा ज़रूरी काम है, जबकि आपको पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी की गुड़ाई आप प्रॉपर करते रहें। तीसरा काम है कि आप प्लांट की प्रूनिंग करते रहें। आप हार्ड प्रूनिंग मत कीजिए अभी गर्मियों के टाइम में, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी सी उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। जहाँ टहनियाँ, जैसे ये टहनी सूख गई है तो आप इसको यहाँ से कट कर दीजिए। इस तरह से आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करके रखी हुई है। तो ये आप जब कभी भी आपको लगे कि ये ब्रांच जो है सूख रही हैं, क्योंकि यदि आप सूखी ब्रांच की समय से प्रूनिंग नहीं करते हैं तो फिर सारा प्लांट जो है वो सूखने का चांस रहता है। इसलिए ये आप छोटा सा काम है मगर ज़रूरी काम है, आप करें टाइम पर। चौथा काम है कि आप प्लांट में जो वीड्स खरपतवार निकल के आती है उसको समय समय पर निकालते रहें। नहीं, ये हमारे प्लांट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो निकाल ले लेते हैं और प्लांट की ग्रोथ पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो आप जब भी आपको लगे आप प्लांट देख रहे हैं या वाटरिंग कर रहे हैं तो ये काम आप उस समय भी कर सकती हैं। बाद में करने का सोच के वो जो खरपतवार है, वीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, फिर हमें उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये काम भी आप ज़रूर करें। पांचवा काम है कि आप जब भी प्लांट को वाटर देते हैं या फिर उसके पास उसमें फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो आप थोड़ा सा प्लांट को सुबह शाम में गौर से देखते रहिए, ताकि उस पर किसी तरह के कीड़े का अटैक तो नहीं है, किसी तरह के बग का अटैक तो नहीं है। कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये देखिए, मेरा गुड़हल का प्लांट है, वाइट गुड़हल का। इसमें काफ़ी सारे इसमें बर्ड्स आ रहे हैं और फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन आज मैंने इसको देखा है तो इसमें ये देखिए मुझे यहाँ पर सारा प्लांट हेल्दी होने के बाद भी यहाँ पे ये देखिए मुझे ये मेली बग दिख रहा है, जो कि अभी एक ही दिख रहा है। तो मैं इसको आराम से कंट्रोल कर पाऊँगी। यदि इसमें ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप पौधों को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, उनको बारीकी से देखते रहें कि कहीं किसी कीड़े का इस पर अटैक तो नहीं है और कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है, जिससे हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे पांच ऐसे काम छोटे छोटे जिनको करने से आपके पौधे प्रॉपर ग्रोथ करते रहेंगे। इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ पे काफ़ी असर करता है। थैंक यू।